गुड मॉर्निंग बच्चों, जेएमडी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेंगे बच्चों जो क्लास सेवन्थ की जो साइंस है, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा है, उसमें से जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसमें एक पूरा प्रोसेस लगता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि सनलाइट आती है, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्लोरोफिल के प्रेजेंट में होता है और सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, ठीक है, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है, पेड़ पौधों का जो भी प्लांट्स वगैरह उनका क्या बनता है, खाना बनता है, ठीक है। फिर वो उनके पूरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ऑक्सीजन बनती है, साथ में वो एयर में रिमूव हो जाती है, जिसको हम लोग सांस लेने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब कुछ कंडीशन है, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कुछ कंडीशन जरूरी है इसके लिए, वो कंडीशन हम देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, इसका क्या काम है, देखो, क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब जो लाइट आ रही है ना, उसकी जो एनर्जी है उसको क्या करता है, क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। सेकंड देखो बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट का क्या यूज़ है, सीधा सीधा है भाई, सनलाइट आएगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, ये दिमाग में रख लो। अगर जैसे कि खेतों में अगर कहीं पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हमने लगाए हैं, तो अगर उनको सही से धूप यानी कि सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो बड़े नहीं होंगे, ठीक है, फिर वो मुरझाने लग जाएंगे, ठीक है। और अगर उनको सनलाइट ज़्यादा मिल गई तो वो जलने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखो, यहाँ लिखा भी है, द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज ऑलमोस्ट लीनियरली। मतलब जो लाइट इंटेंसिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी, मतलब लाइट जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो उतनी तेज होगी, ठीक है। एट हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम लिमिटिंग। अब मैंने क्या बोला, लिमिट से ज़्यादा अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, वो वहाँ पे जाके धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमको ज़्यादा धूप चाहिए, धूप लिमिट में चाहिए, फोटोसिंथेसिस होने के लिए ही चाहिए सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेचर ऑफ लाइट। तो देखो लाइट क्या होती है, जो लाइट होती है उसके 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ विजिबल लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर द फोटोसिंथेसिस। मतलब लाइट में 7 कलर होते हैं, तो उसमें से ब्लू और रेड कलर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, अदर कलर के कंपेरिजन में वो ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगर देखो यहाँ बोला, इफ़ द लाइट ऑफ सम अदर कलर इज मेड टू फॉल ऑन द प्लांट्स देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। मतलब जो लाइट में 7 कलर है उसमें जो 2 कलर है ये अगर वहाँ पे इनका जो अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर अदर कलर जो बाकी 5 कलर बच गए हैं ना वो ज़्यादा होंगे तो क्या होगा बच्चों, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की क्या कंडीशन है, देखो द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, बट अफेक्ट द डार्क रिएक्शन मार्डली, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस वेरी प्लांट टू प्लांट। देखो टेम्परेचर वैसे तो अफेक्ट करता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डार्क रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, लाइट रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, और ये हर प्लांट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, सेम नहीं होता, ये वेरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर CO2 ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जैसे कि अगर हमको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो सीधा सीधा ये इनके लिए क्या है, CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लोअर्स द एक्सटेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर CO2 कम अमाउंट में है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी कम ही बनेगा, ठीक है,
कम ही वहाँ पे उसका प्रोसेस होगा, तो खाना भी कम ही बनेगा इन लोगों का, ठीक है। तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर के बिना भी पॉसिबल नहीं है। अगर वहाँ वाटर भी नहीं होगा, अगर मान लो हमने कम पानी दिया है, तो भी क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, ब्रीदिंग ऑर्गेन्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सांस लेते कैसे हैं, ठीक है, किस तरह से ये CO2 को, मतलब अपने जैसे अपन ऑक्सीजन लेते हैं, ये कैसे इसको लेते हैं, कैसे क्या क्या प्रोसेस रहता है वो देखते हैं। देखो, द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। देखो, पत्तियाँ होती है, उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो उनके थ्रू क्या होता है, ये CO2 ये एयर से अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाय 2 हाफ मून शेप्ड गार्ड सेल्स। अब हर स्टोमे पे क्या होगा, उस पर हाफ मून शेप्ड गार्ड सेल्स होंगे, ठीक है। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, इनका काम खाली इतना ही है, वो पोर्स जो होते हैं, वो जो छिद्र होते हैं पोर्स, उनको खोलने का काम करते हैं और वापस बंद करने का काम करते हैं, इनका काम यही है, ठीक है। देखो, व्हेन देयर इज इनफ लाइट एंड वाटर द गार्ड सेल्स स्वेल अप एंड कर्व फ्रॉम ईच अदर। देखो, अगर उनको इनफ लाइट और वाटर मिल गया, तो गार्ड सेल क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है, और वो जो स्टोमा है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। दिस अलाउज द कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द सेल ऑफ द लीव। ये अलाउ करेंगे कि जो CO2 है वो लीव के अंदर एंटर हो, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, दो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन बनेगी और वो इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होगा बच्चों, वो एटमॉस्फेयर में यानी कि एयर में वापस चली जाएगी, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लीव्स हैं, ठीक है, ये स्टोमेटा है विद गार्ड सेल्स, ठीक है ना, स्टोमेटा गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये देखो, ये पेयर ऑफ गार्ड सेल्स है। अगर इनको हम और जूम करें, ठीक है, इनको हम और जूम करें तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो देखो, ये क्लोज्ड है, मतलब ये बंद है, ठीक है, खुला हुआ नहीं है। ओपन देखो स्टोमेटा, ये है, ये यहाँ से खुलेगा, CO2 यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है, यहाँ से एंटर करेगी CO2, कब, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से CO2 जाएगी और अंदर जब फोटोसिंथेसिस के मतलब उसके टाइम जब वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, वो इसके थ्रू वापस बाहर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो सीधा सीधा यही है, फोटोसिंथेसिस जब भी होगा, ये ओपन होंगे, इनसे CO2 अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर आएगी, ठीक है। तो इस तरह से पूरा इनका जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, और इनका खाना बनता है, और इसी तरह से ये ग्रो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।